नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार की बात करें तो वापस से तेजी लौटते हुए दिख रही है और काफी बढ़िया ट्रेडिंग सेशन दिख रहा है। अमेरिका इस समय इतना कंफ्यूज्ड है कि वो दुनिया को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया कंफ्यूज नहीं हो रही, केवल अमेरिका ही कंफ्यूज ही होता जा रहा है। साथ ही साथ दुनिया भर के लिए बात चल रही है तो एक और अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट भारत अभी भारत में नहीं आए। आगे बात करूं, पहले अपडेट दे देता हूं अमेरिका की, फिर FIDI का डेटा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव है, वो भी डिस्कस करूंगा। और बाजार 22,723,000 की तरफ जा रहा है, एक और उसके लिए ट्रिगर जोड़ दो। बात करें अगर डाउ जोन्स की तो वहां आपको लगभग 225 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल रही है। पूरे के पूरे अमेरिका में हरियाली है क्योंकि डाउ जोन्स तो केवल 225 पॉइंट ऊपर है, लेकिन नैस्डेक इंडेक्स में असली मजा आ रहा है, 1% ऊपर है, 160 पॉइंट्स की तेजी है। S&P 500 ऑलमोस्ट 1% ऊपर है और रसल 2000 एक तिहाई, यानी कि रसल 2000 में थोड़ी कम तेजी है, बाकी तो रॉकेट हुआ पड़ा है आज अमेरिका का बाजार अभी तक। और विक्स 1% के समथिंग नीचे है, तो ये अच्छी बात है। वहीं अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो थोड़ा लाल निशान ज्यादा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिटसी लगभग 0.86% डाउन है, डेक्स 0.25% नीचे है, कैक में भी 0.25% के करीब की गिरावट ही देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करें एशिया पैसिफिक तो निकाई लगभग 2% अगेन टूट गया है। एक समय 3 ट्रेडिंग सेशन पहले 40,400-500 पे था, अब भी 39,000 पे आ गया, 38,000 के भी नीचे निकल गया, एग्जैक्टली 38,992 है, 2% नीचे है, 800 पॉइंट की गिरावट है। हैंगसेंग फ्लैट है, शंघाई फ्लैट है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन निकाई के बाजार आज काफी हैवीली टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये दुनिया भर के बाजार की अपडेट थी। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट आगे FIDI के डेटा की तरफ। FIDI का डेटा आज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लंबे समय बाद FIIs खरीद कर गए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन उसके सामने DIIs लंबे समय बाद बेच कर गए हैं और बहुत बड़ा बेच गया है, तो उल्टा हो गया आज मामला, FIIs बायर बन गए, DIIs सेलर बन गए। बात करूं डेटा की तो FIIs 12,834 करोड़ का नेट टोटल खरीद कर गए हैं और 11,175 करोड़ का टोटल बेच कर गए हैं, तो नेट फिगर आया 1,659 करोड़ की बाइंग का। तो लंबे समय बाद इन्होंने कर लिया खरीदारी और लंबे समय बाद DIIs ने करी है बिकवाली। टोटल इन्होंने बाइंग करी है 9,462 करोड़ की DIIs ने और सेलिंग करी है 12,832 करोड़ की। नेट फिगर आया 3,370 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ की DIIs की तरफ से आज सेलिंग आई है, जो कि काफी बड़ी सेलिंग मानूंगा मैं, तो ये डेटा थोड़ा सा डराने वाला है। अब आ जाते हैं थोड़ा निफ्टी पे। 22,500 के ऊपर आराम से क्लोजिंग आ गई दिन के दौरान, इतने सारे खराब संकेतों के चलते भी कुछ भी नहीं गिरे, डे हाई के आसपास ही बंद हुए आप ये कह सकते हैं। तैयारी हो रही है 22,700 की, सीधी सीधी, कुछ भी नेगेटिव है नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। आज RBI की पॉलिसी में भी कुछ शॉक नहीं मिला है, अमेरिका का बाजार गिर रहा है, हम नहीं गिर रहे हैं, वो वापस रिबाउंड भी कर गया तो हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। फ्लोस पॉजिटिव हैं, आज DIIs जरूर बेचकर गए हैं, क्या मूड में आ गया पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि बाजार 22,700 तक जाएगा, उसके बाद फिर गिरावट आ जाए वो एक अलग मैटर होता है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो बहुचर्चित स्टॉक्स में आज के लिए जो है वो है इरेडा। इरेडा का शेयर 11% रॉकेट हो गया और भैया 176 हो गया है। इस स्टॉक पे मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हैं जहां पे मैंने कहा कि भैया बेच दो, ट्रैप हो गए हो, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने लगभग 144 रुपीस पे कहा था कि आप 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहो तो पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग टेक्निकल टर्म्स पे यहीं से घूमने की संकेत दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये तेजी जो आई है क्यों आई है, ये लोग खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च मार रहे हैं। पहली बात तो भैया तेजी आ गई है, शेयर है, चिल मारो यार, पैसा बन रहा है, लेकिन फिर भी रीजन जानना है तो मैं आपको बताऊं, रीजन है नहीं, केवल और केवल सर्किट फिल्टर में बदलाव आने के चलते आज भाग गया है और इस तरीके की तेजी टिकाऊ नहीं होती है। 5% का सर्किट फिल्टर था कंपनी का, आप देखते थे 5% या तो अपर सर्किट हो जाता था या लोअर सर्किट हो जाता था, लेकिन अब इसका सर्किट फिल्टर 20% का, यानी टॉप 20% तक ऊपर जा सकता है, 20% तक नीचे जा सकता है। तो सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते स्टॉक में आपको मूव देखने को मिला है, बाकी कोई बड़ी रीजन या बड़ी कारण है नहीं। स्टॉक्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए खबर है, कंपनी से प्रतीक डी पंजाबी रिजाइंस, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से इन्होंने रिजाइन दे दिया है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए खबर है, कंपनी टू इन्वेस्टिंग 500 मिलियन रुपीज वी सब्सक्रिप्शन टू द राइट इशू क्लीन फिनो कैम्प, तो 500 यानी 50 करोड़ का ये निवेश करने जा रहे हैं, ये अपडेट दी है। शेल बाई की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है, लैंडमार्क कांड, PFC, टाइटन के क्वार्टर फोर के अपडेट्स आए हैं। और अपडेट देखें तो कंपनीज ज्वेलरी सेम स्टोर सेल्स क्लॉकिंग हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ इन Q4, कंपनी रजिस्टर 17% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर
ग्रोथ, तो 17% की ग्रोथ है। मेरे को नहीं पता बाजार का क्या अनुमान था, तभी अगर अनुमान पता होता तो बताने में ज्यादा आसानी रहती है। आई केयर डिवीजन की रेवेन्यू 1% से साल दर साल घटा है और कैरेट लेन का 30% से बढ़ा है, तो ये दमदार ग्रोथ दिखा रहा है रिसेंट एक्विजिशन जो है। कंपनीज ज्वेलरी डोमेस्टिक ऑपरेशन 19% से बढ़ा है, वॉचेज एंड वियरेबल सेगमेंट 17% से बढ़ा है। तो ओवरऑल टाइटन तो लाइफ लॉन्ग एक सुपरहिट प्रोडक्ट है, सुपरहिट कंपनी है और अच्छे प्रदर्शन की ही उम्मीद की जाती है, इससे अच्छा प्रदर्शन ही रहता है इससे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइज़।